Hello students, welcome to my YouTube channel, Bodhan Chemistry Classes. My name is Saxena, and I was teaching you the chemistry of class 12, and we have started our chapter uh, called uh, solutions, and we have already covered three lectures of it. And in previous lecture, we have studied about Raoult's law, ideal solutions, non-ideal solutions, and uh, the last topic we studied in the uh, previous lecture was as drops. So uh, here we, uh, I am. So, uh, now we are going to have our fourth lecture and in today's lecture we will study about colligative properties. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनको कैसे हम लोग समझ सकते हैं ठीक है सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होती है जो है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी सिंपल, इसका सिंपल सा मतलब इतना ही है कि, कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं वो उस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है तो चलिए तो इसको एग्जांपल समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास सपोजेट ये दो बीकर्स हैं ओके ये हमारे पास ये दो बीकर्स हैं और ये हमारा सिर्फ हमारा ये प्योर वाटर है इसमें नॉर्मल H2O है और सपोजेट ये हमारा सॉल सॉल्यूशन है इसमें H2O प्लस एनएसीएल है तो अब ये अगर बताइए कि दोनों को दोनों अगर मान लीजिए सेम कंडीशन में रखे हुए हैं तो इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा जो जिसमें प्योर वॉटर है या फिर जिसमें प्योर वॉटर के साथ में एनएसीएल भी डिजोल्व है तो आपका आंसर यही होगा कि दोनों का टेम्परेचर सिमिलर रहेगा या फिर सेम रहेगा बिकॉज द ऑफ बोथ द कंडीशनो भी सेम ऑफ बोथ द बीकर दोनों की कंडीशन सेम हमने उनका एनवायरमेंट नहीं चेंज किया हमने क्या उनको केवल उसमें सॉलिड का पार्टिकल्स को चेंज किया एनवायरमेंट नहीं चेंज किया इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों का टेम्परेचर जो है लोग सिमिलर रहेगा लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं सपोज एट क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से थोड़ा ज्यादा हो जाए

समझ लेते हैं कि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फोर टाइप्स की होती हैं इनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और जो पहली कॉलिगेटिव uh, प्रॉपर्टी वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेकेंड जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है तो ये साथ आपके सामने ये यहाँ पर एक चार कोरिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो किसी भी सोल्यूशन की होती हैं और हम उनको बारी बारी से इसमें यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो वेरी फर्स्ट यहाँ पर जो है वो क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और इसका जो डेरिवेशन जो भी डेफिनेशन जो होती है हम सबसे पहले इस सब टॉपिक को कवर कर लेते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग पहले, पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है तो चलिए समझ लेते हैं इस चीज को है हमने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले अभी एग्जाम्पल बताया था तो मान लीजिए यहां पर ये दो कंटेनर हैं इट इज अवर फर्स्ट कंटेनर एंड इट इज अवर सेकंड कंटेनर द फर्स्ट कंटेनर कंटेन्स प्योर वाटर इट हैज ओनली एस टू ओ एंड हेयर इज अ सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि इसमें क्या है एन प्लस एस टू ओ है ठीक है ये हमारा क्या है ये हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है इसमें और इसमें क्या हमारा ये प्योर एस्टू वो है अब यहां पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर जो सोल्यूशन जो है उसमें हंड्रेड परसेंट सोलवेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम केवल टू की बात कर रहे हैं इसमें कोई एडिट और चीज कोई भी और नहीं।, इसमें कोई नहीं है और सेकंड की ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर मान लीन इसमें सोल्व एड किया इसका मतलब बाकी बचा हुआ क्या होगा सोलवेंट होगा है ना तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सोल्यूशन जो है इसमें एटी परसेंट है और इसमें बात कर ले रहे हैं है इसमें है मतलब होगा? होगा। है तो इसमें हंड्रेड परसेंट है और हमने आपको पिछले लेक्चर बताया था कि कारण होगा हो तो हो तो और वेपर आएंगे ठीक है तो पहले वाले में क्या है? जो वोलेटाइल कंपोनेट वॉटर जो है वो हंड्रेड परसेंट अमाउंट रिप्रेजेंट है और सेकंड वाले बिकर की बात कर लेते हैं तो

Whenever any solute is added to a given amount of solvent or solution, then the vapor pressure of given solution decreases.

वेरी गुड तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नजर डाल लेते हैं इसके डेरिवेशन की इसका डेरिवेशन जो होता है इस पर बेस या तो डायरेक्टली डेरिवेशन आता है कभी कभार और या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है ठीक है तो इस तरह नजर डाल लेते हैं चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग हैं ये लिखा हुआ यहाँ पर तो है डेल्टा पीवन इज इक्वल टू फिर डेल्टा पीवन क्या चीज है आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में फिर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में क्या पर डेल्टा का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में है डेल्टा का मतलब होता है चेंज डेल्टा मीन्स चेंज है ना तो यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे चेंज और पी यानी यहां पर क्या है वेपर प्रेशर पी यहां पर क्या चीज है वेपर प्रेशर और वन आप ये ध्यान रखिएगा आगे हम जब भी सोल्यूशन चैप्टर में भी बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हमें सॉल्वेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट हमेशा सोल्यूट कहेगा इसका मतलब जब भी हम पी वन लिखेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और अगर हम कहेंगे पी टू इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट सिमिलरली अगर मान लिया मोल फ्रैक्शन की बात कर ले रहे हैं तो काई वन क्या हो जाएगा काई वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड कायू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट

कि जो पहला वाला बीकर जो था उसमें हंड्रेड परसेंट पेपर प्रेशर था और जो सेकंड वाला बीकर हमारा जो था उसमें 80 परसेंट वेपर प्रेशर था इसका मतलब अगर मान लीजिए इनिशियल है ये फाइनल है तो वेपर प्रेशर हम क्या करेंगे मान लीजिए चेंज कैलकुलेट करना तो कैसे निकालेंगे ज्यादा वाली क्वांटिटी में से कम वाली क्वांटिटी को जो सटेट कर देंगे तो इसमें ज्यादा वाली क्वांटिटी कौन सी है इनिशियल वाली की फाइनल वाली सिंपल सी इनिशियल वाली क्वांटिटी ज्यादा है और हमने हमको पहले बता भी रखा है कि, कि किसी भी चीज का इनिशियल वेपर प्रेशर जो होता है उसे कैसे डिनोट किया जाता है

वन नॉट माइनस पी वन तो इस इसको आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था फ्रॉम राउल्ट लॉ फ्रॉम लॉ राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन क्या होती है वो होती है पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट का इवन, आपको राउल बताया था उसमें तो देखिए यहां पर जो P1 की जो वैल्यू है उसको हम सेकंड वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम पुटिंग वैल्यू ऑफ पी वन इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है तो हमारे जो आ, आ, पी वन की जो वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं तो चलिए पुट कर देते हैं ये हमारा आगे जाकर के डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट काइ ठीक है चलिए इसको आगे और समझ लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये लिखाया था हमने अभी आपको डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट काई वन समझ में आ गया ठीक है देखिए आप यहाँ पे ये वाले में पी वन नॉट इसमें भी है और पी वन नॉट इसमें भी है तो चलिए पी वन नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा हमारा पी वन नॉट कॉमन लेने के बाद में वन माइनस काई वन और अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा या फिर आपको पता भी होनी चाहिए ये चीज की वन माइनस काई नॉट निकालेंगे हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि हमेशा काई वन ई टू किसके इक्वल होता है जाकर के वन के इक्वल होता है तो अगर मान लीजिए हम काई वन को इधर पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो काई टू किसके बराबर हो जाएगा वन माइनस का वन, कि वन माइनस किसके इक्वल होता है काई टू के इक्वल होता है और आप आपको ऐसा समझ सकते हैं सपोज मान लीजिए हमारे पास ये फ्रैक्शन है हम इसको कह दे रहे हैं ये काय वन है और ये काई टू है तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वन ही तो बनेगा कर जाकर के इसका मतलब वन माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी काई टू हो जाएगी तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बनेगी डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट ई टू समझ में आ गई आपको ये चीज है चलिए वेरी गुड हम इसको कह दे रहे हैं ये हमारी ये सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर ये यह, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा शुरू से शुरू कर देते हैं इस चीज को है कि डेल्टा पी वन हमने स्टार्टिंग आपको क्या लिखवाया था वो था हमारा पी वन नॉट माइनस पी वन और देखिए जरा इस वाली इक्वेशन डेल्टा पी वन की वैल्यू कितनी आई है पी वन नॉट काई टू यानी ये इसके बराबर हो जाएगा ये क्या है पी वन नॉट काई टू अब हम इसको कह दे रहे हैं ये हमारी है इक्वेशन थर्ड तो ये पूरी इक्वेशन जो है इसको हम पी वन नॉट से डिवाइड करने जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर अब लिख देते इसको हैं चलिए आ, लिखते हैं इसको डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय पी वन नॉट तो पहले थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन थी क्या आखिर वो थी डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट काई टू यही हमारी क्वेश्चन थी ना इसको डिवाइड करने के बाद में क्या जाकर के ये हो जाएगा डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू काई टू ये हमारी बनी जाकर के फाइनलाइज इक्वेशन ये है ठीक है तो अब बस इसका एक और इसकी फॉर्म बनाई जा करके जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज की जाती है ये हमारे स्टैंडर्ड यहाँ तक खत्म हो चुका है इसके आगे नहीं आता है ठीक है लेकिन अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ जा रहे हैं और इसका जो न्यूमेरिकल बेस्ट जो हमारा पोर्शन होता है उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं ठीक है तो ये हमारा इस वाले रिलेशन को ले ले रहे हैं इस वाले को और इस वाले को इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू काई टू हम इस चीज को लेके चलते हैं ठीक है अब चलिए समझ लेते हैं कि काई टू क्या चीज है यहाँ पर ये काई टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसका मतलब डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू हमारा ये काई टू था और काई टू कैसे निकालते हैं आपने पहले पहले वाला अगर लेक्चर आपने देखा होगा फिर आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू यानी कि हम क्या सॉल्यूट uh, के यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट इसे समझ में आ गई आपको चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज नंबर नंबर ऑफ 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 मोल्स मोल्स सॉल्वेंट इज वेरी मच ग्रेटर देन सॉल्यूट ये पर क्या चीज इसको समझ लीजिए जरा आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट से ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट uh, का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सॉल्यूट से में से ज्यादा होंगे ठीक है तो इसीलिए यहाँ से uh, ये पता चलता है कि एन वन जो है वो एन टू से बहुत ज्यादा बड़ा हो, बड़ा होगा इसीलिए हम क्या करेंगे एन टू को नेगलेक्ट कर देंगे डियर फोर नेगलेक्टिंग एन टू इन डिनोमिनेटर इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारे इक्वेशन का जो है इसमें हम एन टू को निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बना के जाकर के डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन हम यहां से क्या कर रहे हैं एन टू को निगलेक्ट कर दे रहे हैं तो बना के जाकर के एन वन समझ में आ गया आपको चलिए अब n2 टू और n1 वन की वैल्यू डाल देते हैं आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखिए गिवन मास जो होता है उसको हम W से नोट करेंगे और सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो W2 हो जाएगा और मोलर मास को सिंपली M से नोट किया जाता है और अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एम टू हो जाएगा सिमिलरली एन वन क्या हो जाएगा गेवन मास तो जो एन टू और एन वन की वैल्यू है तो देखिए अब पहले क्या ऊपर था एन टू था वहां पर तो हो जाएगा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन एम वन ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हमारा ये बनेगी जा करके लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन दब्ल्यू टू इंटू एम वन अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू हमारी इक्वेशन बनी करके कर इसको हम लोग फॉर्मुले में यूज कर सकते हैं इसको यूज ही करना है फॉर्मुले में जाकर के है। ठीक है के आप, आपके पास क्वेश्चन आता है तो सिंपली क्या करेंगे उसको ऑफ सॉल्यूट अपॉन इंटू मोल्डर मास मोलर मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन सॉल्वेंट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और पता चल जाएगा कि उसको रिलेटिव वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आई है समझ में आ गई आपको चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आने जा रही है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को जब हम एक ग्राउंड लेवल से या फिर एक डेफिनेट से अपलिफ्ट कर देते हैं उठा देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है ठीक है आपने कभी सुना भी होगा काफी बार जो मॉल्स या बिल्डिंग्स होती है उनमें क्या है? लगे होते हैं एलिवेटर्स लगे होते हैं एलिवेटर के लिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से अपलिफ्ट कर देते हैं ऊपर के लिए ले जाते हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और अगर आपको इसको नॉर्मली समझना है तो आपने पढ़ा भी होगा

समझ में आ गया आपको एलिवेशन का मतलब सिंपली समझ लीजिए क्या होता है इंक्रीज कर देना किसी चीज को एलिवेशन मान्य क्या होता है इनक्रीज कर देना होता है ठीक है अब चलिए आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग है सपोज दैट वी हैव टू कंटेनर्स हियर इट इज ओनली प्योर वाटर एंड इन द अनदर कंटेनर इट इज अ शुगर सॉल्यूशन हियर इज शुगर सॉल्यूशन ओके इट इज फर्स्ट कंटेनर इट इज सेकंड कंटेनर नाउ इफ वी हीट बोथ द कंटेनर्स इफ वी हीट बोथ द कंटेनर्स देन विच ऑफ द विच ऑफ द लिक्विड गिवेन इन फ्रंट ऑफ यूल फर्स्ट मतलब अगर मान ली दो बीकर लिखे हुए दिए गए हैं अगर मान ली इसको हम हीट कर दो, दोनों को हीट करेंगे तो इन दोनों में किसमें कौन सा सॉल्यूशन पहले बॉईल करेगा आपका सिंपल इसमें आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा पहला वाला क्योंकि यह क्या प्योर वॉटर है इसका मतलब जल्दी बॉइल कर जाएगा और ये क्या शुगर सोल्यूशन आप जानते हैं कि शुगर सोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा देर में बॉयल हो जाएगा इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वेनेवर

अब जरा समझ लेते हैं कि डेल्टा टीबी ये लिखा हुआ है आपके सामने डेल्टा टीबी है डेल्टा टीबी का मतलब क्या है हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डेल्टा का मतलब क्या होता है डेल्टा मतलब होता है चेंज और यहाँ पर टी जो लिखा है वो टेम्परेचर है और बी यानी कि बॉइलिंग इसे हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर सिंपली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हमको आपको जो पिछले वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें पहले वाले बीकर जो था वो ऐसा बना हुआ था पहला वाले बीकर में प्योर वाटर लिया था तो ये सेकंड वाला जो बीकर था उसमें तो गई सोल्यूशन लिया था अब सपोज ये वाला बीकर जो था ए, इसका लिक्विड जो था वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से बॉयल कर रहा था और ये जो था वो वन थर्टी डिग्री सेल्सियस बॉयल कर रहा था ये हमारा इनिशियल है ये हमारा फाइनल है आप जानते हैं कि चेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाले घटा देंगे तो इसमें बड़ी कौन सी है इनिशियल वाली बड़ी है कि फाइनल वाली बड़ी है सिंपली फाइनल वाली क्वांटिटी यहाँ पर बड़ी है इसका मतलब हम फाइनल में से इनिशियल वाली सेपरेट करेंगे ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टीबी माइनस इसका मतलब क्या है कि करंट बॉइलिंग पॉइंट और इसका मतलब क्या है इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ठीक है यही तो होगा चेंज का मतलब क्या होता है इनिशियल पोजिशन माइनस माइनल पोजिशन इस तरह इसको निकाल लेंगे हम लोग ठीक है अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखिए ये है, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा कि ये यहाँ परिप्टी जो है ये सब्सक्रिप्ट में होता है डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम डेल्टा टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम अब जरा ये बताइए कि स्मॉल एम क्या चीज होती है पहले आपको पढ़ाया था मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन तो उसमें स्मॉल एम कम बारे में बात बात की थी तो स्मॉल एम का चीज़, क्या चीज होती है वो होता है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है मोलैलिटी ऑफ असोल्यूशन और कैपिटल एन होती है मोलैलिटी ऑफ असोल्यूशन सिंपल ठीक है तो इसका मतलब सोल्यूशन मोलैलिटी किस पर डिपेंड कर रही थी सोल्यूट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही थी इसीलिए हाँ हुआ डेल्टा इज डायरेक्टली ऑफ द सोल्यूशन इसका मतलब जितना ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए इसको कि यहाँ पर ये यह जो डायरेक्टली डे, डे, का साइन लिखा हुआ है अगर इसको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू का साइन आएगा साथ में कांस्टेंट आएगा इसे बोला जाता है के बी और एम ऐसा का ऐसा ही रहेगा अब यहाँ पर ये यह जो के बी लिखा हुआ है के बी के दो नाम होते हैं जो ज्यादा फेमस है इसको ज्यादा पूछा जाता है इसको पहले इसका नॉर्मल नेम जो होता है उसे कहा जाता है मोलल क्योंकि मोनैलिटी से डिपेंड कर रहे हैं इसको मोलल एलिवेशन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा था एलिवेट कर रहा था और ये कांस्टेंट है कांस्टेंट कांस्टेंट मोलल एलिवेशन ठीक है और इसका सेकेंड नेम जो ज्यादा पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वो है इसका नाम है इब्यूलियो स्कोपिक कॉन्स्टेंट इब्यूलियो स्कोपिक कॉन्स्टेंट ठीक है ये ये इसके दो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए आप आगे इस वाली इक्वेशन को कर ले रहे हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है अब इसी के बेस पे हम लोग आगे चलते हैं आ रहे हैं ठीक है ये लिखा हुआ है डेल्टा टीबी टू के बी इन टू एम ठीक है अब ये जो हमारी एम है यानी एम क्या मतलब हम बता रहे मोडेलिटी है अब मोडेलिटी को जरा कैलकुलेट कर चलते हैं हम लोग आगे हैं ठीक है आप जानते हैं कि एम यानी कि मोडेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा आपको शायद ये चीज पता भी होगी यहां पर मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी समझ में आ गया आपको चलिए अब ये देख लीजिए नंबर ऑफ मूलर सोलवेंट को हमने आपको बताया था अभी हमने कैसे इसको डिनोट करेंगे हम लोग एन टू से डिनोट करेंगे कैसे नोट करेंगे एन टू से डिनोट करेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हमने बताया था अगर हम गिवन मास की बात करेंगे तो उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और अगर हम लोग मोलर मास की बात करेंगे तो उसको एम से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर गिवन मास की बात हो रही है तो गिवन मास का इसका मतलब किससे दिखाएंगे हम लोग डब्ल्यू वन से दिखाएंगे क्लियर हो गई आपको चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग मोलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है, है? मोलिटी की जो वैल्यू आएगी जाकर यानी जो इस फॉर्मुले से जो मोलिटी की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा फॉर्मुला बनकर तैयार हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का समझ में आ गया आपको चलिए अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये हमारा डब्ल्यू एन पहले से ही है और यहाँ पर आप गौर कीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ इन के जी लिखा हुआ और जनरली अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में जो डब्ल्यू वन की वैल्यू जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रामर ही लिखी होती है ठीक है तो इसको के जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको वन थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे जाकर के तो हमारी मोडलिटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी जाकर के एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इन वन थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन ये हमारी वैल्यू आ गई मोडेलिटी की है ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में कि नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन यानी कि जो हमारी एम की वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की है उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए पुट कर देते इस हैं इस चीज को है तो ये हमारा देखे फॉर्मूला क्या बनेगा जाकर के वो वो हो जाएगा डेल्टा पीबीज इक्वल टू तो देखिए के बी पहले से ही था अब मोबाइल मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल दे रहे हैं हम लोग ये क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब डब्ल्यू टू इंटू वन थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन यह हमारा फॉर्मूला बना जा करके इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है और छोटा न्यूमेरिकल नहीं आता है इस पे कम से कम तीन या फिर फाइव मार्क्स का इसमें न्यूमेरिकल आएगा जा करके और वो इसका फॉर्मूला क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी यानी कि मोडरल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इंटू गेवन मास्यूट इंटू वन थाउजेंड अपॉन मोलर मास ऑफ मास्यूट इंटू ये आपको समझ में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको चलिए वेरी गुड और हम लोग पढ़ जाते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक पर है जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अब देखिए एलिवेशन मान्य हो रहा था इंक्रीज करना डिप्रेशन का सिंपली मतलब क्या हो जाता है डिक्रीज करना है वैसे ही वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग हैं उसका मतलब वो डिस्टेंस वाला अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो यहाँ से कोई टावर पे टावर पे है यहाँ पर कोई पर्सन है और यहाँ से अगर मान लीजिए कोई शिप आ रहा है अगर वो उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा था इसका मतलब क्या है वो यहां से हॉरिजन से अपनी आई साइड को लो कर रहा था इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको लोअर कर, कर देना क्या बोलते हैं डिप्रेस कर देना ठीक है और फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं कि वो टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो होता है वो फ्रीज कर जाता है समझ में आ गई आपको ये चीज है देखिए आपने कभी कभार इसको नोटिस भी किया होगा कि जो आइसक्रीम वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें वो हल्की सॉल्टी लगती है वो क्यों लगती है कि उसमें सॉल्ट ऐड किया आता है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए ठीक है तो चलिए समझ लेते हैं इस चीज को है आगे जा करके देखिए हमारा ये अगर मान ली मतलब फर्स्ट बीकर इसमें अगर मान ली प्योर वाटर रखा हुआ सपोज दैट है और सेकंड बीकर भी, जो है उसमें एस टू ओ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दे रहे हैं तो इस वाले का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा कम कर जाएगा फॉर से कर लेते इस चीज को है अगर मान ली ये हमारा जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर रहा था तो ये हमारा माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज कर जाएगा आपको समझ में आ गई ये चीज है कि व्हेनेवर इसको कैसे डिफाइन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे उसमें कि व्हेनेवर सोल्यूट इज एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सोल्यूशन देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवेन सोलवेंट और सोल्यूशन डिक्रीजेज ठीक है समझ में आ गया आपको ये चीज़ है क्या बोलेंगे अब यहाँ पे इसका एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा सोल्यूटेट करने पर तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा एलिवेट कर जाएगा ठीक है अब देखिए इसका भी फॉर्मूला नाइनटी सिमिलर होता है बस देखिए छोटे छोटे चेंज कहाँ पर आ सकते हैं बता दे रहे हैं है, देखिएगा है जरा डेल्टा टी एफ वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे उस चीज को वो थे डेल्टा टी बी इसका मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और इसको हम लोग क्या लिखेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लिख देंगे ठीक है अब जरा ध्यान से देखिएगा हमने पहले वाले केस हमने क्या बताया था आपको इस वाले अभी छोड़ दे पहले, पहले बताया था कि इसका टेम्परेचर यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस था और सेकंड वाले का इसको फर्स्ट वीकर माना इसका सेकंड वीकर माना और इसका माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस था तो जरा ये बताइए कि फर्स्ट वाले का टेम्परेचर ज्यादा है कि सेकंड वाले का टेम्परेचर ज्यादा है सिंपली फर्स्ट फर्स्ट वाले 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 का ज़्यादा इसका मतलब वाले में सेकंड सेपरेट करना पड़ेगा और फर्स्ट वाला हमारा क्या था इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था इसीलिए इसको लिखा जाएगा टी एफ नॉट इसका मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करंट फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है बाकी सब एस्टेज सॉल्व करना पड़ेगा कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी फिर क्या करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पे प्रश्न डेट आ रहा है इसका मतलब क्या पे आएगा कांस्टेंट आएगा वो हो जाएगा के एफ आप समझिए के एफ यहाँ पर क्या चीज है के एफ को पढ़ा जाता है मोलल वो क्या था के बी क्या चीज थी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और ये हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ठीक है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और वहां पर केबी का नाम था इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इस वाले का नाम है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ठीक है इस क्लियर हो गया आपको सिमिलरली ऐसे हमने उसमें उस, उस वाले में एम की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी मल्टी की वैल्यू पुट की थी इस वाले में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मुला रेडी हो जाएगा डिप्रेशन इंड फ्रीजिंग पॉइंट का और जो फाइनली बना करके डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ into w2 into 1000 upon the m2 into w1.

सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जी फिगर किया था जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई कर दिया था और जैसे जैसे सॉल्व करता चलेगा हमारी जो फॉर्मूला जो था उसकी फॉर्म बनती चली गई ठीक है तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनाया करके अब ये किसका फॉर्मूला है चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू वेट ऑफ सोलन वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वन थाउजेंड अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू गिवेन मास ऑफ सोलवेंट ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर है बस इतना ही और हमारा जो फोर्थ बचा हुआ टॉपिक जो है जो है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम लोग नेक्स्ट यानी फिफ्थ लेक्चर में कवर करेंगे ठीक है और इसी के साथ साथ हम लोग शॉर्ट टाइम पढ़ेंगे से जैसे की आ, रिवर्स ऑस्मोस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे

notifications and thanks for watching be healthy be safe stay at home